तो देखो यहाँ पर ये गड्ढा किया गया है, अब इसमें आरी पैनल को लगाएंगे और फिर उसके बाद में काम स्टार्ट हो जाएगा भाई साहब। मिट्टी का मिट्टी डालेंगे और उसे लेवल में ला चढ़ाते चले जाएंगे। देखो कितनी ज़्यादा हाइट, ये कितने ऊपर होगा, कितने ऊपर होगा ये, इसकी हाइट कितनी, मतलब ज़मीन से लेकर यहाँ तक 36 फीट ऊँचाई है इसकी ज़मीन से लेकर। और आप लोग देख सकते हो जो गड्ढे हुए हैं, ये भाई साहब वो वहाँ तक जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है वहाँ तक इसकी क्या मिट्टी डाली जानी है दोस्तों। तो आप लोगों को बता दूँ 70-80 फीट इसमें मिट्टी अभी डाली जाएगी, आरी पैनल को लगाया जाएगा साइडों से। तो इसी वजह से ये गड्ढा गया, क्योंकि बिल्कुल लेवल में रोड हो जाए ना, तो इसी वजह से ये गड्ढा किया जाता है। अब इसमें आरी पैनल लगाया जाएगा, फिर मिट्टी डाली जाएगी, फिर इसमें कंपोजर लगाया जाएगा ताकि बरसात का पानी इसके मिट्टी के अंदर ना आ सके दोस्तों, इसीलिए कंपोजर लगाया जाता है। और फिर उसके बाद में बेल्ट लगाया जाएगा ताकि ये आरी पैनल दोस्तों बाहर निकल के ना भाग जाए इसी वजह से। और देखो इस साइड में ये मिट्टी डाली जा रही है, जैसा कि आप लोगों ने, ज़मीन से काफ़ी भाई साहब ऊंचाई पर है, अभी हम 36 फीट की ऊंचाई पर हैं ज़मीन से, देख लो इतनी मिट्टी डाली जा रही है और अभी डाली जाएगी दोस्तों। और आगे पड़ रहा है दोस्तों क्या। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू अपडेट में स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज मैं पहली बार आप सभी को दिखाने वाला हूँ गंगा एक्सप्रेसवे का काम। और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ NH9 पर दोस्तों, और आप सभी को बताऊँ कि अगर हम पीछे जाते हैं अपने पीछे बैक साइड में तो गढ़ आ जाएगा दोस्तों। गढ़ यहाँ से करीबन होगा 10-12 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है दोस्तों, और इंटरचेंज अभी बनाए जा रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर, आप सभी को बता दूँ कि जब मैं पिछली बार आया था तब मैं अपडेट नहीं दे पाया आप सभी को, तो पिलर बन के, और आप सभी को बता दूँ कि गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में दोस्तों इस पर देखो फ्लोर वर्क भी हो चुका है, और देखो आरी पैनल को भी लगाया जा रहा है। फिर इधर ये देखो, ये ट्रकों में जा रही है मिट्टी दोस्तों, जो कि इस पर डालने का काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर मिट्टी डाली जा रही है। और वहाँ पर दोस्तों आपको बताऊं कि रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन पर ही देख सकते हो वो वहाँ पर सारे में ही दोस्तों पिलर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों। और आप सभी को बताऊं फ्लोर वर्क हो चुका है यहाँ पर, अब मिट्टी डालने का काम चल रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर भी देखो ये मिट्टी डाली जा रही है, ये NH9 के बगल में देखो, इधर भी ये वो बनाया गया है अंडरपास, ताकि पानी आने निकलने के लिए वाहन को इधर चढ़ने के लिए NH9 पे, तो इसी वजह से वो अंडरपास दिया गया पानी के लिए। देखो इसके ऊपर से वाहन जाया करेंगे, तो यहाँ पर एक दिया गया है और एक दिया गया उधर भी। तो इसमें अभी मिट्टी अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, जो कि देखो वहाँ से वाहन आएंगे, किधर से मेरठ की साइड से वाहन आएंगे और इधर चले जाएंगे सीधे गढ़ मुक्तेश्वर के लिए दोस्तों। देखो आप सभी कि किस चीज़ का काम चल रहा है, भूल गया था, देखो वो कैनाल है, कैनाल के ऊपर ही है। आप सभी को बताऊं कि ब्रिज बनाया गया है कैनाल के ऊपर देखो। और यहाँ पर आप सभी को बताऊं कि अभी लैंड एक्वायर नहीं हो पाया है, तो किसान बहुत ज़्यादा पंगा कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर ये काम रुका हुआ है। देखो ये पर यहाँ पर भी काम रुका हुआ है, उधर भी देखो। अब वो है रेलवे लाइन दोस्तों, वो रेलवे लाइन के ऊपर अभी देखो पिलर बन के कम्प्लीट हो गए हैं, पियर पाइलिंग का काम किया जा रहा है अभी उस टाइम पे उधर उसकी साइड में देखो। और यहाँ पर ये हिस्सा देखो बन के कम्प्लीट हो चुका है, और इन्होंने, आप सभी को बताऊं दोस्तों के इन्होंने वो भी बना दिया है देखो, सारे में आई गटर द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं, इस पर फ्लोर वर्क भी हो चुका है, सारा काम हो चुका है देख सकते हो आप लोग। ये ट्रक आ रहे हैं मिट्टी डाल के, देखो आप लोग। तो चलते हैं और आपको वहीं चल के दिखाते हैं, चल के अभी इस टाइम पे NH9 से नीचे चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को कि ग्राउंड लेवल पे जब हम शूट करते हैं जाके तो कितना चैलेंजिंग भरा होता है। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो, तो आप ही देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी है। और यहाँ पर भाई साहब गाड़ी लाने का मतलब है कि भाई साहब पूरी तरीके से गाड़ी सन्ना, और चैलेंजिंग भरा भी होता है कि कौन सा रास्ता किधर को जा रहा है, कहीं गाड़ी फंस तो नहीं जाएगी, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और दोस्तों मैं
हितू रिश्तेदारी में इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जाकर शूट करना और आप सभी को दिखाना बहुत मुश्किलों भरा होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी आप सभी को दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो आप लोग ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए केपी संत के चैनल पर जाओ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, और जब भी आप लोगों को अपडेट मिलेगा अच्छी अच्छी जगहों को जगह देखने के लिए मिलेगा, ग्राउंड लेवल पर जाकर देखने के लिए मिलेगा कि अभी कितना काम चल रहा है रोडों का, हाईवे का दोस्तों, मेट्रो का, RRTS का, वो सब आप सभी को केपी संत के चैनल पर अपडेट देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो हमारे चैनल। यहाँ पर है कैनाल जिस पे कि देखो सारे पिलर बन गए हैं, पिलर कैप का भी काम हो गया है, और देखो आई गटर द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये आई गटर बनाए गए हैं, और देखो यहाँ पर ये अंडरपास बनाया जा रहा है, किस लिए कि ताकि बरसात का पानी इधर से उधर हो सके, और जीव जंतु जानवर हैं दोस्तों वो भी इधर से उधर हो चुके हो, तो इसीलिए देखो यहाँ पर ये पहले फाउंडेशन बना दिया, अब सरियों का जाल बनाया जाएगा, फिर इस पर वो बनाया जाएगा। तो देखो मिट्टी कितनी ऊपर डाली जाती है, देख सकते हो आप लोग नीचे से और ऊपर, भाई साहब ज़मीन के करीबन 10 फीट होगा ऊंचा, और अभी तो और ऊंचा ही होगा दोस्तों। देखो अरे हमारे भाई साहब गाड़ी घुमाने पर लग रहे हैं, देखो इस तरीके से, देखो और ये है हाई टेंशन वायर जो कि जा रही है दोस्तों। देखो अभी वहाँ पर लैंड एक्वायर होने के लिए बचा हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया जाएगा, देखो वो पुलिया बनाई गई है ना, तो वो इंटरचेंज बनाया जाएगा। यहाँ किसानों ने ये ज़मीन नहीं दी है, ये दिक्कत कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर काम अभी पेंडिंग में है दोस्तों। तो वो है NH9 दोस्तों, और उसके घूमने के बाद में देखो यहाँ पर ये आ जाती है कैनाल दोस्तों, और कैनाल के ऊपर ही दोस्तों ये ब्रिज बनाया जा रहा है, देख सकते हो अभी गटर लॉन्चिंग की जा रही है दोस्तों, आई गटर द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। देखो दो ट्रक में धर के जाते हैं दोस्तों, रख के और फिर आगे शिफ्ट किए जाएंगे, तो यहाँ से उठाए जाएंगे। तो ये क्रेन मशीन खड़ी हुई है देख सकते हो, तो यही काम चल रहा है गंगा एक्सप्रेसवे का दोस्तों NH9 पर। और आप सभी को बताऊँ दोस्तों कि यहाँ पर ये इस साल के एंड तक कम्प्लीट होना है दोस्तों, और आप सभी को बताऊं देखो इधर ये मिट्टी की लेवलिंग चल रही है, देखो ट्रक जैसे जैसे मिट्टी लाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये मिट्टी को एक सार करते चले जा रहे हैं। तो वो इधर भी देख सकते हो आप लोग, और फिर आप उसके बाद में अपने घर के लिए प्रस्थान कर देंगे दोस्तों। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है केपी संत के चैनल पर। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो, केपी संत लाता रहता आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ये मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है दोस्तों। आप सभी को बता दूँ क्या 4 लेन इस साइड में, 4 लेन इस साइड में, यानी कि ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे बन रहा है दोस्तों, जो मेरठ से स्टार्ट होता है और ये प्रयागराज में जाकर ख़त्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। 592 किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों, ठीक है। तो यही बनाया जा रहा है, और वो जा रहा है देख सकते हो सारे में ही। तो यहाँ से चलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। देखो इस तरीके से यहाँ ये मिट्टी फैलाने का काम कर रही है मशीन दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, तो ये अब जल्दी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी दिन रात काम चल ही रहा है इस पर, तो जल्दी हो जाएगा, और ये किसान अगर लैंड एक्वायर कर दें तो वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते चल के आपको आगे से दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से काम हो चुका है कंप्लीट, अब चलते हैं अपने घर के लिए दोस्तों। ये है NH9 जो कि हमें गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली के लिए ले जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो वर्क चल रहा है अभी, और ऊपर देखो गटर लॉन्चिंग हो चुकी है, इस पर फ्लोर वर्क की तैयारी अब की जा रही है, और लूप इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं दोनों साइडों में, क्यों निकलने बढ़ने। देखो दोस्तों ये है NH9, और ये देखो लूप बनाए जा रहे हैं दोस्तों, जो कि जब हम बुलंदशहर की साइड से आएंगे और हमें जाना गाज़ियाबाद के लिए, तो ये लूप बनाया गया दोस्तों, वो वहाँ अंडर पास दिया गया, वहाँ से इस तरीके से ये घूम जाएंगे। और देखो ये मिट्टी डाली जा रही है, ये देख सकते हो आप सभी, ये मिट्टी डाली जा रही है ना, देखो वो मशीन चल रही है, और इसको आगे मिला दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें यहाँ से चढ़ना है तो वहाँ के लिए नहीं दिया गया उधर जाने के लिए, हम आगे से आएंगे घूम के जब इधर जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये लूप दिए गए हैं NH9 पर दोस्तों, तो यही काम चल रहा है बस, देख सकते हो आप सभी।